हे दोस्त, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे YT क्रिएटर के लिए कि बहुत से लोग YouTube चैनल खोलना चाहते हैं लेकिन खोल नहीं पाते। थोड़ी सी मेहनत करते हैं और थक के बैठ जाते हैं क्योंकि 2 व्यूज़, 4 व्यूज़, 8 व्यूज़ इतने ही आते हैं स्टार्टिंग में। तो किस तरह प्रॉपर से YouTube चैनल बना सकते हैं और किस तरह उसको ग्रो कर सकते हैं, आप देखिए। जहाँ तक मैं समझता हूँ, स्टार्टिंग में लॉन्ग वीडियोस क्रिएट करें। आफ्टर दैट 3-4 वीडियो के बाद आप तकरीबन 15 वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करें, तो उससे होगा कि आपके चैनल को ग्रो करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये नहीं कि आप लॉन्ग वीडियोस डालने के बाद शॉर्ट वीडियोस उसमें ही डालें तो आपके चैनल पर कुछ तो फ़र्क पड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। आप बना सकते हैं, बस इतना है, आप नीश चेंज ना करें, टॉपिक चेंज ना करें, उसी टेक कैटेगरी में। अगर एजुकेशन कैटेगरी में बना रहे हैं तो उसमें ही बनाते रहें, तरह तरह के अलग अलग एजुकेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबका यूट्यूब चैनल तो होगा, तभी तो आप सर्च कर रहे हैं कि किस तरह ग्रो करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है वीडियोस क्रिएट करना। जहाँ तक हो सके दोस्तों, वीडियोस क्रिएट करने की जहाँ बात हो तो आप आउट ऑफ कंटेंट कभी ना लें, और चिल्ड्रन अबेसेस कंटेंट, जैसा कि किसी को हर्ट करता है, वैसा कुछ कंटेंट ना लें। जहाँ तक हो सके कैमरे से बनाने की कोशिश करें। ओके, तो जैसा ही कैमरे से आप बनाते हैं, किसी भी क्वालिटी का हो, बस उसमें रहें, लेकिन किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा कुछ ना करें। आप कैसी भी वीडियोस क्वालिटी कर सकते हैं, आप जो भी अवेलेबल हो, जैसा भी, आप गरीब हो, अमीर हो, या आपके बनाने के पास साधन हो या ना हो, कैसा भी हो, आप ग्रो कर सकते हैं डेफिनेटली। आप गाँव के हो या शहर के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जैसा भी हो, कैमरे के सामने आके अपना नॉलेज शेयर करें लोगों के साथ, पब्लिक को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करें। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो आप सबके पास यूट्यूब चैनल तो होगा, लेकिन फर्स्ट स्टार्टिंग में आप नेम अच्छा सा सेलेक्ट करें, बार बार चेंज ना करें, उसे होगा क्या आपके व्यूवर्स को कंफ्यूज होगा, तो उसे यूट्यूब का एल्गोरिथम आपके चैनल को वहीं पर फ्रीज कर देगा। तो आप अपना नाम ही रखें, वही सब में अच्छा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, अभी हम देखेंगे फर्स्ट है टाइटल। टाइटल ज़रूरी है, तो उसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में जाइए, या आपका जो भी ब्राउज़र हो उसमें चले जाइए। देन यहाँ पे आपका जो भी टाइटल हो सर्च कीजिए उसको। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ टू डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट। ओके, इस पर क्लिक करिए। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे नीचे कुछ सर्च किया हुआ टैग्स या टाइटल्स, आप जो भी कहें। ज़्यादा से ज़्यादा सर्च होता है गूगल पर, तो आपने इसको ही सेलेक्ट करके, यानी कि कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपको। ये जो भी है, जितने भी टाइटल हैं उसमें से आप एक या दो सेलेक्ट करके अपने वीडियो में टाइप कर सकते हो, और चाहो तो टैग में भी लगा सकते हो। तो फर्स्ट सोल्यूशन सॉल्व हो गया आपका कि टाइटल कहाँ से लें। ओके, अभी चलते हैं थंबनेल की तरफ। ओके दोस्तों, मोस्टली थंबनेल कहाँ से लें या क्या करें कुछ समझ में नहीं आता, तो आप सिंपल वे में थंबनेल लेने का तरीका है, बेस्ट एप्लीकेशन जो क्विक और इजीली थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वो बताऊंगा, जो है इनशॉट एप्लीकेशन। ये तो आप जानते होंगे, इनशॉट एप्लीकेशन सबसे इजीली और क्विकली क्रिएट हो जाएगा थंबनेल। आप यहाँ से कोई भी HD बैकग्राउंड ले सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं अपने गैलरी में से, जो कि HD होना चाहिए। आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देन रेशो क्लिक कीजिए, और जो भी टेक्स्ट क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप कौन से भी इमेज इसमें पुट कर सकते हैं, जिस तरह का मैंने बनाया है, ये इनशॉट से क्रिएट का हुआ। आप इस तरह का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, इस तरह का, या और कोई तरह का, या सेटिंग जैसा 2-3 कलर्स लेके बहुत अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, और इसको सही से थंबनेल HD में क्रिएट हो जाएगा आपका। और इसको सेव कर लें। सेव करना है आपको 720 मेगापिक्सल। ओके, बताऊंगा मैं आपको, कुछ तरह ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, तो इसको अपने वीडियोस के अंदर लगा सकते हैं, और चाहो तो वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग वीडियोस आने लगे हैं जो कि इन शॉर्ट में एडिट किया हुआ है। ओके, तो इस तरह का आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद है टाइटल और टैग हो गया, और थंबनेल भी हो चुका है। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन की, जो कि उतनी ज़रूरी नहीं होती। आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पर वीडियो मिल जाएगा कि डिस्क्रिप्शन किस तरह का क्रिएट करें। उसमें कुछ क्रिएट ना करें, अपना इंट्रोडक्शन दें, और जिस भी वीडियो का टाइटल है वो कॉपी करके
उसमें डिस्क्रिप्शन में पुट कर दें और इस तरह आपके वीडियोस क्रिएट हो जाएंगे। और कुछ कोई क्यूरीज अगर आपकी हो तो आप बता सकते हैं, मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करने में। लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, डीमोटिवेशन हो जाता हूँ अगर लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं आते, क्योंकि मेरे वीडियोस की क्वालिटी बेहतर नहीं होती, पर कंटेंट बहुत ही बढ़िया लाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग पसंद करें वैसा कंटेंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरी भी जो है वीडियोस क्रिएट करने में बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम लगाना पड़ता है, या और कोई प्रॉब्लम आते हैं तो इन सब के साथ वीडियो क्रिएट करना पड़ता है। तो हर फैसिलिटी के साथ नहीं हूँ कि आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल पर जाके अच्छे वीडियोस क्रिएट करें जो कि पब्लिक के लिए फ़ायदेमंद हो। इस तरह आप अपने चैनल को ग्रो करने में बहुत आसानी मिलेगी आपको। आप देख सकते हैं रीच है मेरा, रियल टाइम इंप्रेशन है 28 डेज़ का, लगभग 10,000 के ऊपर। और जो यूट्यूब में ने इंप्रेशन दिया है यानी कि 60,000 के ऊपर, तो इससे पता चलता है बहुत जने क्लिक नहीं करें मेरे वीडियोस पर। तो इसीलिए अपने थंबनेल्स बहुत ही अच्छे बनाने की कोशिश करें और वीडियो में कंटेंट भी नॉलेजेबल हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी वीडियोस बना रहे हैं वैसा ना करें, तो अच्छा कंटेंट डालें, आपका चैनल इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हो। थैंक यू। तो अपने चैनल पर बेहतर से बेहतर अच्छा नॉलेजेबल कंटेंट दें जिससे आपकी ग्रोथ होने में कोई प्रॉब्लम ना आए और डीमोटिवेशन ना करें। कम से कम एक 50 वीडियोस क्रिएट करें, 6 महीने का टाइम दें। अगर ना हो तो दूसरा चैनल खोल के देखें, या दूसरे निश या दूसरे टॉपिक पे, या शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरा चैनल स्टार्ट हो के 4 साल हो गया, लेकिन इसे कुछ पैसा तो नहीं कमाया मैं, लेकिन थोड़ा सा डीमोटिवेशन आता है जब लाइक्स और सब्सक्राइब नहीं आते, लेकिन फिर भी चलो ओके ठीक है, किस्मत की बात है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, डीमोटिवेशन ना करें, दूसरा अच्छा चैनल ये करें, और पैसे हो सकता है पैसे ना मिले या मिले, जो भी हो पब्लिक के लिए कुछ अच्छा फ़ायदा करें या कुछ अच्छा करते हुए चलें। थैंक यू।